गोंदिया में विदर्भ साहित्य संघ शाखा ने हर साल की तरह विनायक राव कोतवाल सभागार में विभिन्न ललित कलाओं पर आधारित एक उत्कृष्ट दिवाली सुबह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती और धन्वंतरी पूजा से हुई। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे डॉक्टर नितिन कोतवाल, डॉक्टर अनिता कोतवाल, डॉक्टर राजीव कोलते, डॉक्टर अपूर्वा कोलते, एडवोकेट गिरीश बापट, डॉक्टर सुवर्णा बापट, डॉक्टर मयूरी आचार्य को सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ। उदयन निगुड़कर ने नंदी को प्रकाशित किया। कार्यक्रम में विभिन्न गीतों का प्रदर्शन भी किया गया। मंगेश रेशमी की मधुरी बांसुरी वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चैतन्य माथुकर और भैरवी देशपांडे की कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। स्वाति पिंपलपुरे और अबोले ढोके ने शानदार नृत्य किया। इस रंगारंग कार्यक्रम में संगीता निगुड़कर, वीना आचार्य, भैरवी देशपांडे और स्वाति पिंपलपुरे ने मानिक घरपुरे द्वारा लिखित सहेला रे श्रृंखला के विभिन्न लेख प्रस्तुत किए। इसके बाद विदर्भ साहित्य संघ शाखा गोंदिया के अध्यक्ष मोहन देशपांडे ने अपने विचार व्यक्त किए और विदर्भ साहित्य संघ के कार्यों की समीक्षा की और उपस्थित लोगों को भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन भैरवी देशपांडे और वीना आचार्य ने किया और धन्यवाद ज्ञापन गौरव धोटे ने किया। सचिव उदय रांजनकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश उमालकर, दीपक वेलुरकर ने कार्यक्रम की सफलता के लिए अथक परिश्रम किया। गोंदिया के लोगों ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम का आनंद भी उठाया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।